अस्सलाम वालेकुम आर्ज, वेलकम बैक। आज का वीडियो जो है इसका टॉपिक है मल्टीपल अलाइनमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल पॉलीलाइन, कन्वर्ट मल्टीपल पॉलीलाइन टू सिविल 3D अलाइनमेंट। अगर आपके पास ड्राइंग में मल्टीपल पॉलीलाइंस हैं जिनसे आपको अलाइनमेंट क्रिएट करना रिक्वायर्ड है, तो ये वीडियो इसी के बारे में है, इसी टॉपिक पे है। इसके लिए हम एक लिस्प यूज करेंगे जो कि इस काम को बड़ी जल्दी कर देती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यहाँ ड्राइंग में मेरे पास कुछ पॉलीलाइन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इन पॉलीलाइन को हमने अभी यहाँ पे कन्वर्ट करना है सिविल 3D अलाइनमेंट में। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे बाई डिफॉल्ट अगर ऑप्शन यूज करें तो यहाँ पे क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट से करते हैं हम लोग, और अगर इसको हम यूज करेंगे तो हर एक पॉलीलाइन के लिए हमें बार बार इस टूल को यूज करना पड़ेगा। तो हम अपने इस टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे एक लिस्प का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, लोड क्लोज, लिस्प लोड हो गई है। यहाँ कमांड बार में जो नेम लिस्प का मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है कमांड बार में, मैं एक ही दफा इन सब पॉली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्विकली हमने अपनी सारी अलाइनमेंट क्रिएट कर ली है। अभी इन अलाइनमेंट को आप अपने जो भी आपका रोड वगैरह होगा, ठीक है, स्ट्रीट है, कुछ भी है, आप उसके नेम के हिसाब से इसको आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से आपने अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे आपने जो भी नेम है एक्स वाई जेड कुछ भी है, ओके, आप यहाँ पे इंटर करें तो वो नेम यहाँ पे इस अलाइनमेंट के साथ आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।